हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का अगस्त टू लर्निंग में। सो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेल में पाए जाने वाले ट्रैफिक पुलिस के बारे में। जी हाँ, हमारे सेल में भी ट्रैफिक पुलिस होता है बच्चों, और ऐसे ट्रैफिक पुलिस को कहा जाता है गोल्गी बॉडी। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं। गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपर्चर्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ प्लांट्स में इसको डिक्टायोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लिपिड्स को स्टोर करने का काम, उसको मॉडिफाई और उसके ट्रांसफरेशन में हेल्प करता है। ये गोल्गी बॉडी की खोज, इस ट्रैफिक पुलिस की खोज 1898 में हुई थी, और इसको खोजा था कैमिलो गोल्गी ने। उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया गोल्गी काय, यानी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहने से पहले हम कुछ जान लेते हैं गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड टिब्यूल से, और ये गोल्गी बॉडी हमारे सेल का एक इंपॉर्टेंट कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स होता है। गोल्गी बॉडी में दो फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज, जहां पे हमारा गोल्गी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन, स्टोरेज और ट्रांसफरेशन का काम करता है। कहा जाता है हमारे शरीर में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होती है सेल में, जिसका नाम है अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद दो प्रकार की होती है, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का काम है, रफ ER यानी RER का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस में, और SER का काम है लिपिड के सिंथेसिस में। सो गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन को लेती है और उसे मैच्योर करके, मॉडिफाई करके उसको अपने ट्रांसफेस से ट्रांसफर कर देती है। इतना ही नहीं, गोल्गी बॉडी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन करती है और उसका भी स्टोरेज करती है। इसी वजह से गॉल्गी बॉडी को हमारी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ दी सेल कहा जाता है। सो कैसा लगा आज का ये टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही साइंटिफिक टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू।